दर्शकों बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे स्पेशल कार्यक्रम में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी अपने परिचय के तौर पर नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे आज के कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। देखिए आज हम हाथ में जो वाई का निशान है, जैसे कि आप ये हाथ में इस प्रकार का जो निशान होता है वाई की तरह, तो ये हाथ में अगर कहीं पर बन रहा हो तो इसके क्या मायने हैं। अगर इसकी जो वाई का आकार है वो छोटा है, बड़ा है या स्पष्ट है, किस प्रकार का है, उसके क्या क्या मीनिंग्स हो सकते हैं, उस पर हम गहन चर्चा करेंगे। नए दर्शक हैं तो एक निवेदन रहेगा, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि समय समय पर आने वाले जो कार्यक्रम है वो भी आपको जानकारी मिल सके। हम लोग इस चैनल पर अध्यात्म की बात करते हैं, ज्योतिष की बात करते हैं, रत्न रुद्राक्ष, हस्तरेखा, तमाम मुहूर्त, हर प्रकार के जो संबंधित कार्यक्रम है उसको लेकर हम आपके साथ आते हैं। देखिए ये हाथ में जो वाई का निशान है ये काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये हाथ के किस पर्वत पर बना हुआ है, ये अलग अलग पर्वत होते हैं। पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको ये भी समझाया था अलग अलग पर्वत कौन कौन से होते हैं और हाथों पर बनने वाले अलग अलग निशान के बारे में मैं लगातार चर्चा कर रहा हूं। इसके साथ ही नाखून पर अर्धचंद्र का निशान, उंगलियों पर शंख, चक्र आदि जो बने होते हैं उनकी चर्चा मैंने पिछले कार्यक्रम में किया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आप उसके माध्यम से उस चैप्टर को देख सकते हैं। तो ये सविस्तार हम यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। देखिए वैसे आपने जो हस्तरेखा है, ये हस्तरेखा कोई सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान नहीं है, हस्तरेखा एक विज्ञान है और विज्ञान का मतलब होता है कि हम उसको नित्य निरंतर उसमें नया शोध करते रहें, नया रिसर्च करते रहें और नई चीजों को वहां से निकालते रहें। लेकिन कब पॉसिबल होगा, जब हम इसका लगातार अध्ययन करेंगे, रिसर्च करेंगे इस पर। अब बात आती है हस्तरेखा विज्ञान के साथ साथ आपने देखा होगा सामुद्रिक ग्रंथ। सामुद्रिक ग्रंथ वह एक स्पेशल विषय है जिससे हम सिर्फ हस्तरेखा का अध्ययन ही नहीं, हम शरीर की संपूर्ण बनावट से, इस संपूर्ण संरचना से आपके व्यक्तित्व, आपके चरित्र, आपकी कार्यशैली, आपकी प्रभावशैली, आपकी विश्वसनीयता, इन सब पर हम विचार कर सकते हैं। वो एक ऐसा शास्त्र जो आज के समय में नहीं प्राचीन समय से चला रहा है, और ऐसा नहीं कि ये पढ़े लिखे लोग ही इसका अध्ययन कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी रखते हैं। प्राचीन समय में पढ़े लिखे लोग कम होते थे, यानी जो स्कूली शिक्षा है, आजकल तो शिक्षा की परिभाषा थोड़ा बहुत बदल गई है, लेकिन मैं उस शिक्षा की बात कर रहा हूं जो शिक्षा तुलसीदास जी ने ली थी, जिस शिक्षा की बात कबीरदास जी ने, वो किसी स्कूल में नहीं गए, लेकिन स्कूल में न जाने के बावजूद भी उन्होंने जो स्कूल में जाने वालों के लिए लिखा है वो अद्वितीय है। इसलिए उस ज्ञान की बात मैं कर रहा हूं, उस विज्ञान की बात कर रहा हूं, मैं उस अनुभव की बात मैं कर रहा हूं जो पुराने लोगों के पास हुआ करता था। खासकर ये बात आपने तब जरूर नोट किया होगा, आपके संज्ञान में ये बात जरूर आई होगी, जब किसी विवाह के लिए कन्या या वर देखने जाते थे तो उस समय देखने जाने का मतलब क्या होता था। आज के समय तो लड़का लड़की आपस में देख लेते हैं, कहते हैं भाई यही फाइनल करेंगे, समझ रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो आपकी खूबसूरती और सुंदरता को ही सिर्फ निहारते हैं, उसी को देखते हैं और उसी पर यसर न होता है। लेकिन उस समय जब बेटा या बिटिया को देखने जाया करते थे, बरकन्या को देखने जाते थे, तो उसको बुजुर्ग लोग देखने जाया करते थे, खासकर जिसकी शादी होती तो वो तो जाता ही नहीं था, हाँ उस समय बुजुर्ग जाते, वो क्या देखते थे, क्योंकि उनको इसी चीज का अनुभव होता था, वो आपकी नासिका की बनावट देखते थे, आपके बारे में समझते थे, आपके नेत्रों की जो विशेषता है उसको देखने का प्रयास करते थे, जो आपके कानों की बनावट है वो क्या कह रही है उसको बताते थे, आपके हाथ कितने लंबे हैं, उंगलियां किस प्रकार की बनावटें आपकी रखती हैं। मैंने इस पर लगातार चर्चा किया उंगलियों के बारे में, इन पर बनने वाले निशान, हाथ पर चंद्रमा, नाखून पर, उंगलियों पर चंद्रमा, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप देख सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो देखने का अभिप्राय यही होता था कि वो संरचना को देखते थे शरीर की, उस बनावट को देखते थे,
और उससे आपके व्यक्तित्व के बारे में जानने का प्रयास करते थे। तो ये विधा प्राचीन है। हस्तरेखा विज्ञान की हम जब बात कर रहे हैं, और आज हम खासकर वाई निशान की बात कर रहे हैं, वाई चिन्ह की बात कर रहे हैं, वाई साइन की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, बड़े ध्यान से सुन लें। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा 19-20 लंबी हो जाए, लेकिन इसको समझने का ये मुख्य विषय है। जैसे कि वाई फॉर यस, यानी वाई का मतलब होता है यस। ये मैं आपको अल्फाबेट्स और इसके मीनिंग से हिसाब से आपको समझा रहा हूं, और वास्तव में इस वाई का मतलब जो हमारे सामुद्रिक ग्रंथ के अंदर भी निकलने वाला है वो यस के हिसाब से ही निकलने वाला है। और इसीलिए जो क्रॉस का निशान होता है उसको गणित के अंदर गुणा भी कह सकते हैं, और किसी चीज को काटना हो तो भी हम उसको क्रॉस कर देते हैं। हस्तरेखा भी तो क्रॉस होता है, और उस क्रॉस का मतलब भी तो ना ही होता है, नो ही होता है। इसीलिए किसी भी रेखा को जब कोई रेखा काट देती है तो वहां पर उसको देखना होता है किस हिसाब से कितनी मात्रा में काटा है और इसके कितने नेगेटिव फैक्ट्स यहां पर दिखेंगे। समझ रहे हैं? मैं उस यस सर एक्स की बात कर रहा हूं, यस सर नो की बात कर रहा हूं। और हाथों में इन निशान का बड़ा महत्व है, और ये लगभग हर हाथ में जो है निशान आपको देखने को मिलेंगे। अलग अलग पर्वत पर हो सकते हैं, अलग अलग इसकी स्थितियां हो सकती हैं, इनके आकार छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन ये लगभग सभी हाथों में आपको देखने को मिलेंगे, 90% से ऊपर। आप समझ रहे होंगे इन निशानों का कितना बड़ा महत्व है। और ये जो कुछ निशान है ये समय के अनुसार परिवर्तित होते हैं। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात मुझे स्मरण में आ रहा, आपने ये तो सुना होगा ना, अपने हाथ जगन्नाथ, इनका मतलब क्या हुआ? ये हाथ ही जगन्नाथ हैं, ये हाथ ही जगन्नाथ तक पहुंचा सकते हैं, और ये हाथ ही जगन्नाथ का दर्शन भी करा सकते हैं, क्योंकि हम इन हाथों से ही परिश्रम करेंगे, और इन हाथों के परिश्रम से ही हमें वह मिठास मिल सकती है, उसका आभास हमें हो सकता है, हम वहां तक पहुंच सकते हैं जो हमारा लक्ष्य है अपने कर्मों से। इसीलिए हाथ की रेखाएं ये बैठे बैठे बन गई हैं, और बैठे बैठे हमारे हाथ में अच्छी रेखाएं हमें बहुत कुछ मिल जाएगा, नहीं नहीं ये सोच सही नहीं है। हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं, हम उन साइन के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं जो आपको इस ओर इशारा कर रही हैं। आपको उस ओर और ज्यादा ध्यान देना है, उस ओर आपको और ज्यादा अपना फोकस करना है, आपको वहां तक पहुंचना है। आप किस व्यवसाय को करना चाह रहे हैं, आपके लिए कौन सा व्यवसाय ज्यादा अच्छा है, आपके लिए नौकरी अच्छी है, आपका कैरियर किस क्षेत्र में बनने वाला है, विवाह की स्थिति क्या कहने वाली है, दाम्पत्य जीवन के बारे में क्या कहा समझा जा सकता है, शिक्षा के बारे में क्या यहां पर संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं, ये अलग 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 इन रेखाओं के मीनिंग्स हो सकते हैं। इसीलिए जब हम आज वाई की बात कर रहे हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर पहले भी समझा दिया, थोड़ा हाथ के माध्यम से और समझा दो। मान लो ये भाग्य की रेखा, जो भाग्य रेखा निकलती है उसमें शनि पर्वत पर जाकर यह वाई का निशान हो जाता है, डबल यहां पर ये हो जाता है, और यहां से बड़ी स्पष्ट अगर आई भी है कि आपके भाग्योपालन की पूरी सीधी रेखा हो तो ये आपके संपूर्ण भाग्योदय को दर्शाती है, लेकिन अगर यहां पर से दो हिस्से में भी सीधा सीधा परिवर्तित हो रहा है तो ये दर्शाने का प्रयास कर रहा है कि आपका किसी दो प्रकार से भाग्योदय हो रहा है, एक आपके कर्मों के हिसाब से हो सकता है और एक आपके भाग्य के हिसाब से हो सकता है, या आपके इस कर्मों के इस जन्मों के कर्मों के आधार पर हो सकता है और दूसरा आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर हो सकता है, या फिर आप इसको यूं समझ लीजिए कि एक आपके कर्मों के आधार पर हो सकता है, एक आपके माता पिता के कर्मों के आधार पर हो सकता है। यह थोड़ा सा बहुत बारीकी का विषय है, लेकिन ये वाई बड़ा स्पष्ट बना हुआ, इधर से बड़ी स्पष्ट अगर रेखा गई है तो ये आपके संपूर्ण भाग्योदय का ही सूचक है, और अगर डबल आकार वहां पर बन गया, वाई का साइन वहां पर आ गया है, तो ये किसी दो प्रकार से किसी दो बातों को यहां पर प्रदर्शित कर रहा है। कुल मिलाकर बात यह कि ये वाई का निशान यहां पर शुभता का सूचक है, लेकिन वही वाई का निशान अगर नीचे की ओर हो रहा है, खासकर शुक्र पर्वत या चंद्र पर्वत के पास हो रहा है, और नीचे की तरफ ऊपर से वाई बन, ऊपर की तरफ वाई बना तो ठीक है, अगर नीचे की तरफ बन रहा है
शक्ति असुप्ता का भी परिचय हो सकता है। ये वहीं पर वाई नो का काम कर सकता है, वहां पर ये यस नो का काम हो सकता है, क्योंकि वाई का उल्टा क्या होगा वैसे भी आप देखें, उसका विलोम ना ही होगा, हां का ना होगा। और ये वाई भी अगर नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ ये निशान बन रहा है या टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है या उसके ऊपर भी कोई क्रॉस आ जा रहा है तो ये सुप्ता का सूचक नहीं है, ये आपके बनते बनते काम को बिगड़ने का संकेत कर रहा है। यहां पर आपको थोड़ा सावधानियां, थोड़ा यहां पर सजग होने की आपको प्रबल संभावना है, यहां पर आपके लिए सजग रहना यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां पर काम बिगड़ने की जो संभावना है, रुकावट की जो संभावना है, वो यहां पर बढ़ती हुई चली जाती है। इसी प्रकार से जिस भी पर्वत पर यह निशान बन रहा हो, उस पर्वत पर उस कर्म से रिलेटेड, उस क्षेत्र से रिलेटेड वो चीजें वहां पर यश का साइन करती हैं। मान लो कि हमारे बृहस्पति के पर्वत माउंट जुपिटर के ऊपर ये यश बना हुआ है तो ये आपको कहीं ना कहीं इस ओर भी इशारा कर रहा है कि आप शिक्षा के क्षेत्र से आपके कामों को तेजी मिलेगी। शिक्षा आपके जीवन का मुख्य व्यवसाय बनेगा, शिक्षा आपके क्षेत्र को मजबूती दिलाएगा और शिक्षा ही आपका भाग्योदय भी करेगा, शिक्षा ही नए आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। वैसे शिक्षा केवल आपके ही क्षेत्र में वाई बन रहा है इसलिए बदलाव लाएगा, ऐसा नहीं है। शिक्षा ही हर व्यक्ति के लिए उसके आगे बढ़ने के संकेत और संभावना है, इसमें कोई दोहरा नहीं है, इसलिए इन बातों को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस व्यक्ति की माउंट ऑफ सैटर्न शनि पर्वत के ऊपर अगर वाई का निशान है, ऐसे लोग कहीं ना कहीं मशीनरी के ऊपर कार्य करने वाले, उस क्षेत्र में अपनी प्रगति को देखते हैं, केमिकल के क्षेत्र में, पेट्रोलियम के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के फील्ड में, ड्रग्स के क्षेत्र में, वो अपने करियर को उनको सुदृढ़ करना चाहिए, वो उस ओर इंगित कर रहे हैं कि आपको इस क्षेत्र में जाना चाहिए। ऐसी अलग अलग क्षेत्रों पर बुध पर्वत पर यह अगर बनता है तो आपको एक अच्छा बिजनेस और व्यापार की ओर ये आपको जो है इशारा कर रहा है बढ़ने, और उस ओर आपको कहीं ना कहीं प्रयास करना चाहिए और ये संपूर्ण रूप से निश्चित रूप से आपको अपार संभावनाएं, अपार सफलताएं दिलाने का भी कार्य करेंगे। तो ये अलग अलग पर्वतों के ऊपर अलग अलग इस प्रकार से अगर साइन वाई का बनता है तो अलग अलग प्रकार से आपको कैसे कैसे किस किस रूप में संभावनाएं दे सकता है वो हमने आज इस कार्यक्रम के अंदर जानकारी लेने का प्रयास किया। दर्शकों, इसी प्रकार से हस्तरेखा से संबंधित किसी भी प्रश्न या किसी भी आपका कोई निशान, कोई इस प्रकार का विशेष आपके हाथ के अंदर ऐसा कोई एक चिन्ह है, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और व्यक्तिगत किसी प्रकार की जानकारी, चाहे वो आप हस्तरेखा दिखवाना हो, जन्म कुंडली का अध्ययन हो, या किसी भी प्रकार से वास्तु, रत्न, रुद्राक्ष, किसी बारे में आप सलाह लेना चाहते हैं तो जो लगातार हमारे संस्थान के नंबर नीचे फ्लैश हो रहे हैं आप उस पर व्हाट्सएप पर समय लेकर या वेबसाइट पर जो है आप अपॉइंटमेंट लीजिए और उसके बाद आप बातचीत कर सकते हैं, आप अपनी समस्याओं का घर बैठे समाधान ले सकते हैं। आपको कार्यक्रम कैसा लगा, वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करना जरूर ना भूलें, और इसके साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर अगले किसी खास और स्पेशल कार्यक्रम के माध्यम से, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।